अगर आप 6 साल के बच्चे को नहीं समझा सकते तो आप खुद भी नहीं समझ सकते। दूसरा, लॉजिक विल गेट यू फ्रॉम ए टू जी, इमेजिनेशन विल गेट यू नथिंग। हेयर आई एम माविया तारिक, मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट एंड लाइफ कोच। क्या आप भी शिकार हैं? बहुत सारे लोग शिकार हो जाते हैं, यानी कि इंग्लिश बहुत आती है, फर फर बोल लेते हैं, कोई इंटरव्यू हो उसे क्रैक कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, लेकिन जब स्पीकिंग होती है उर्दू, इंग्लिश, कोई भी जुबान की, तो उसमें बंदे का डगमगा जाना। मैं स्पेसिफिक इंग्लिश की आपके साथ शेयर नहीं करूंगा ट्रिक, मैं शेयर करूंगा तमाम तर लैंग्वेजेस की, यानी कि हो हमारे सामने हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, अरबी, किस तरह से हम मास्टर कम्युनिकेशन को जाने, ये क्या है। 3 स्टेप में शेयर करूंगा, बहुत ही सिंपल स्टेप होंगे, बहुत ही आसान स्टेप होंगे, और उन स्टेप को शेयर करने की वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमारा ये जो डर है, खास तौर पर इंग्लिश, क्योंकि ज्यादातर माय डियर फ्रेंड्स 95+ मुल्कों में इंग्लिश लैंग्वेज चलती है, यानी कि इंग्लिश की मांग बहुत ज्यादा है, इंग्लिश का भाव बहुत ज्यादा है। तो जैसे ही हम इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं तो हम पहले डरते हैं कि ऐसा ना हो, क्या हो जाएगा, कोई लफ्ज गलत ना निकल जाए, कोई ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। तो सबसे पहले तो नंबर 1 स्टेप आपके साथ में शेयर करूंगा नाइक कंपनी का, जस्ट डू इट, यानी कि नाइक कंपनी का आगाज किस तरह से हुआ, किस तरह से नाइक कंपनी आज एक बहुत बड़ा ब्रांड है, यानी कि 120 से ज्यादा मुल्कों में उनकी प्रोडक्ट सेल होती है, बाय होती है, शिप होती है, किस तरह से हम अपनी जिंदगानी में जस्ट डू इट को लागू करें, ये क्या है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ हमारा अप्लाई कर देना अपने आप पे। नंबर 2 स्टेप में जानते हैं, इंग्लिश थोड़ी आती है, ज्यादा आती है, इंग्लिश अभी सीखनी है या सिखानी है। अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं या सिखा रहे हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, इंग्लिश को सिर्फ और सिर्फ आप डेली बेसिस पर, यानी कि जिससे भी बात करें टॉक इन इंग्लिश, जिससे भी बात करें टॉक इन इंग्लिश, बेशक आप सिर्फ इंट्रोडक्शन से आगाज ले लें, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन, व्हाट इज योर नेम, माय नेम इज माविया तारिक, व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन, व्हाट इज योर प्रोफेशन, आप सिर्फ और सिर्फ आगाज स्टार्ट से ले लें, लेकिन आप इंग्लिश बोलें। जैसे ही आप अपने दोस्तों के साथ, अपने फेलोज के साथ, मेट्स के साथ, अपनी जिंदगानी में आप अपनी कम्युनिटी, अपनी सोसाइटी के साथ इंग्लिश में बात करते हैं, ओ हो, मेरे चैनल पर आपको 500+ आइडियाज तो मिलेंगे, जिसमें से 300+, यानी कि आधे से भी ज्यादा मैंने आपके साथ इंग्लिश में टॉपिक्स डिस्कस किए। उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है, यानी कि हमारा इंग्लिश के डर को कम करना। और ये किस तरह से कम होता है, जैसे ही हम अपनी जिंदगानी में आगाज लेते हैं, यानी कि ऐसा नहीं कि इंग्लिश में इंटरव्यू में ही आप किसी इंटरव्यू को क्रैक करने जा रहे हैं, आप वहीं पर बोलेंगे, आप कहीं अपने एग्जाम में हैं या आप स्कूल में हैं, इंग्लिश मीडियम आपका स्कूल है, आप वहाँ पे इंग्लिश में बात करेंगे, नहीं स्कूल में नहीं, आप घर में स्टार्ट कर दें अपने वालदेन के साथ। अब वालदेन को ज़्यादातर इंग्लिश तो नहीं आती, क्यों, क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि मिडिल क्लास लोगों के वालदेन को इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती, क्योंकि बहुत कम आती है, लेकिन इस तरह वो फ्रिक्वेंटली नहीं बोल पाते। तो जैसे ही हम उनके साथ इंग्लिश बोलते हैं, यानी उनको समझ तो पहले नहीं आती, लेकिन फिर हम बोलते हैं और साथ में ट्रांसलेट करते हैं, तो बहुत ही आसान हो जाता है, यानी एक तो हमारी इंग्लिश इंप्रूव होती है और एक जो डर होता है ये हमारा, इससे हम आसानी से ओवरकम इसे कर लेते हैं, यानी कि फिर हमारे सामने ये डर हैवी नहीं हो पाता और हम इस डर से आज़ादी हासिल कर लेते हैं। नंबर 3 स्टेप आपके साथ शेयर करूँ, लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर सेशन को समराइज किया जाए तो जान लेते हैं, यानी कि मैंने आपके साथ नंबर 1 स्टेप में सिर्फ और सिर्फ ये नहीं शेयर किया कि इंग्लिश का डर, मैंने आपके साथ तमाम तर लैंग्वेजेस का डर किस तरह से दूर किया जाए, तो बहुत ही सिंपल है, जस्ट डू इट, यानी कि आप अभी इंग्लिश में ए लेवल पर हैं, बी लेवल पर हैं, सी लेवल पर हैं, या इसी तरह से आपके लेवल मजीद भी आगे बढ़ रहे हैं, तो जैसे ही आप सिर्फ और सिर्फ आगाज ले लेते हैं,
किस तरह से आगाज लें। ऐसा नहीं कि नंबर टू स्टेप में मैंने आपके साथ शेयर किया कि आप आगाज लें अपने ऑफिस में, आप इंग्लिश बोल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ, आप अपने बिजनेस में अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, कस्टमर्स के साथ, क्लाइंट्स के साथ सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश बोल रहे हैं। आप घर से, यानी कि सबसे पहले जो हमारा स्टेप होता है वो घर होता है, तो जैसे ही हम घर से इंग्लिश का आगाज लेते हैं और अपने वालदेन के साथ ट्रांसलेट करके इंग्लिश बोलते हैं या अपने वालदेन के लिए मतलब आसानी करते हैं ताकि हमारी इंग्लिश इम्प्रूव हो जाए, हमारा डर निकल जाए, तो ये हमारे स्टेप होते हैं। बहुत ही मैं आपके साथ माइनर, बहुत ही स्मॉल स्टेप आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ईजी से स्टेप शेयर कर रहा हूँ जिनको आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। नंबर थ्री स्टेप शेयर करूँगा, लास्ट बट नॉट लीस्ट। अब जैसे ही हम इंटरव्यू में बैठते हैं, एग्जामिनेशन में बैठते हैं, ऑफिस में बैठते हैं, हम इंग्लिश के गुरु हैं, मास्टर हैं, हमने घर में प्रैक्टिस की, हमने अपने दोस्तों के साथ, फेलोस, मेट्स, अपने कम्युनिटी के साथ इंग्लिश बोलना शुरू किया, लेकिन फिर भी कपकपी, यानी कि हमारा डर जाना, और जैसे ही हम किसी स्टेज पर हों, प्रेजेंटेशन हम दे रहे हों, हम प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हों, और वहाँ पर हमारा इस सोच को या ये सोच ऑटोमेटिक आ जाती है कि अगर मैंने इंग्लिश गलत बोली तो क्या हो जाएगा, ये एक सवाल है, तो क्या हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो तो होता है इसको आप बिल्कुल ख़त्म कर दें अपनी सोच से, तो कुछ भी नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे, लोग कुछ भी नहीं कहेंगे, वो क्या सोचेगा, वो कुछ भी नहीं सोचेगा। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल है, यानी कि ये जो हमारी सोच होती है किसी के लिए, यानी कि सामने रिएक्शन, आप कहते हैं कि रिएक्शन क्या होगा, तो रिएक्शन को आप बिल्कुल भूल जाएं। नंबर थ्री स्टेप कहता है कि रिएक्शन को भूल जाएं। अगर अच्छा रिएक्शन होगा तो अच्छी बात है, बुरा रिएक्शन होगा तो फिर भी अच्छी बात है, क्योंकि इंसान की जिंदगानी, माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं आपके साथ शेयर करूं साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक, साइंस के मुताबिक, तो हमारा दिमाग गलती रोजाना बहुत ज्यादा करता है, यानी कि 60,000 ख्यालात आते हैं तो उसमें से 50,000, यानी कि 45% से भी ज्यादा ये रेशो है कि हमारा दिमाग गलती की तरफ जाता है, जिसको हम पकड़ के, जिसको हम ट्रेन जब करते हैं तो तब हम इसको सही राह पे लेके आते हैं। तो इसी तरह से मुझे यकीन है कि आज के सेशन में जो तीन स्टेप मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, बआसानी से हो, इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, अरेबिक, कोई भी लैंग्वेज हो, हम फ्रीक्वेंटली बिना डरे बोल सकते हैं, और इसी तरह से मुझे यकीन है कि मेरे सेशन का इख्तिताम हो चुका है, और चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब अभी तक कर चुके होंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो भी आपके पास बर वक्त मिल सके। अस्सलाम वालेकुम।